नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पे ऑटो प्ले वीडियो कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी का YouTube चैनल चलाते हैं और वहाँ पे देखते होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वीडियो ऑटो प्ले हो जाता है। तो मैं आज उसी के बारे में देखने वाला हूँ कि वो कैसे किया जाता है। ठीक है, हाउ टू मेक ए वीडियो ऑटो प्ले ऑन योर YouTube चैनल। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर दिया हमने। एक्चुअली यहाँ से माई प्रोफाइल्स एक्सेस भी कर सकते हैं। माई प्रोफाइल डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल में कस्टमाइज चैनल, इस पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो गियर आइकन है इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल, इसे एक्टिव करना है ताकि आप देख सकते हैं रिकमेंडेड फॉर द पीपल हु अपलोड द वीडियो रेगुलरली, ऐड ए चैनल ट्रेलर, सजेस्ट कंटेंट फॉर यूट्यूबर्स। तो इसे हमें एक्टिव करना होता है, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो इसे हमने एक्टिव कर दिया। ठीक है, एक्टिव करने के बाद क्या है, इसे जो है एक्टिव करना होता है। एक्टिव करने के बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करना होता है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर न्यू विजिटर्स है, इस पर क्लिक करते हैं। चैनल ट्रेलर, ठीक है, वेलकम अनसब्सक्राइब विजिटर टू योर चैनल। यहाँ टेल अनसब्सक्राइब यूजर व्हाट योर चैनल इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल ट्रेलर में ऐड करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं पहले। तो जो भी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जो वीडियो, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नीचे दी हुई है सेव बटन, देख सकते हैं सेव बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, चेंज ट्रेलर और रिमूव ट्रेलर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमें सेट करना था और ये सेट हो चुका है। ठीक है, सेव करने का तो ऑप्शन है नहीं, ये चेंज हो चुका है। अब इसे हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। न्यू टैब में चैनल को एक्सेस करके देखते हैं। तो देख सकते हैं कि जो है चैनल पे ऑटो प्ले वीडियो चालू हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल में ऑटो प्ले वीडियो सेट कर सकते हैं। और जब भी कोई न्यू विजिटर आपके चैनल पे आता है तो ये वीडियो ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये मतलब ये जो भी आपने ट्रेलर सेट किया है वो उस समय ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने चैनल पे ट्रेलर सेट कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।